वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं पीएम मोदी का जन्मदिन देश भर में धूमधाम से मना रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके से पीएम का जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। भोपाल की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां के हनुमान मंदिर में 69 किलो के लड्डू का भोग लगाया और पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, भोपाल में यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में यहाँ पर जो 69 किलो का यहाँ पर प्रसाद है, लड्डू यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर उनको भोग लगाया गया है और साथ में नरेंद्र मोदी के लिए मंगलमय कामनाएं की गई हैं, दीर्घायु की कामनाएं की गई हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये लड्डू का भोग लगाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पूरे उत्साह में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहां पर दिख रहे हैं और ये मंदिर में यहां पर भोग लगाकर जन्मदिन मनाया गया है। यहां पर तस्वीरों में देखा जा सकता है साफ तौर पर, यहां पर ये जो दिखाती है तस्वीरें कि किस तरह से लड्डू बनाया गया है, यहां पर भोग लगाया गया है। आज नरेंद्र मोदी जी का सारा विश्व जन्मदिन मना रहा है और इसीलिए आज यहाँ पर 70 किलो का यहाँ पे जो बड़ा एक लड्डू बनाया गया, लड्डू भगवान जी के श्री चरणों को समर्पित किया गया। अब वो सबको उसका प्रसादी ग्रहण करेंगे और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि वो शतायु हों, दीर्घायु हों और उन्हें काम करने की पूरी ताकत। साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, तस्वीरें दिखाती हैं यहाँ पर कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने का ये यहाँ पर शुभ जो मौका है, यहाँ पर मंदिर में प्रसादी के तहत यहाँ पर प्रसाद वितरित भी किया जा रहा है। जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो लड्डू है यहाँ पर भोग के तौर पर लगाया गया है, देख सकते हैं 69 किलो का, जिस तरह से 69 किलो के लड्डू के जरिए उनकी उम्र के साथ साथ उनकी उम्र की यहाँ पर प्रार्थना भी की जा रही है। कैमरा पर्सन नायडू के साथ विपिन श्रीवास्तव, R9 TV, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, भोपाल में यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में यहाँ पर जो 69 किलो का यहाँ पर प्रसाद है, लड्डू यहाँ तस्वीर